सेवा सुरक्षा सहयोग। भाई खाली कर दो ग्राउंड, रणधीर सिंह जी भी आ जाएं। भाई ग्राउंड खाली नहीं हुआ, मैच हो लाग रहे लेकिन ग्राउंड खाली नहीं होता। विक्रम सिंह मोर उरोपिका छात्रिया विरोप का बेस्ट खिलाड़ी और फिलहाल जतीन फरमाना जिसके कानून से लंबे हाथ हैं उस भाई को जतीन फरमाना कहा जाता है। देखिए पहले जो हमारा मान सम्मान का प्रतीक है शोल के द्वारा रविंदर जी सांगवान को सम्मानित करेंगे डीएसपी हरियाणा पुलिस कैथल। बिल्कुल अर्जुन अवार्ड ही बहुत बड़ा पुरस्कार है लोगों, बिल्कुल भले आदमियों को इस 133 के करोड़ के लोगों के मिलता 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है और भारत सरकार खिलाड़ियों को चाहे ध्यानचंद अवार्ड की बात है, चाहे अर्जुन अवार्ड की बात है, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड की बात है, मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी की बात है, उनको सम्मानित करने का काम करती है भारत सरकार। और सर जी को भी बिल्कुल मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के द्वारा सम्मानित करने का काम किया, उनसे सम्मान से सम्मानित हैं पहले शॉल के द्वारा और फिर स्मृति चिन्ह के द्वारा। बिट्टू देवन स्कूल नेशनल का 2 बार गोल्ड विजेता खिलाड़ी और टीम इंचार्ज थे राजेश जी कैरो। रविंदर जी फौजी भाई को सलाम करता हूं, उन्होंने 8,000 रुपए की धनराशि हमारी देवन टीम को दी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगला मैच होगा सांच वर्सी पाइए सोंगल वर्सी डीग, नोट कर ले। हाँ मैं अनुरोध करूंगा बलराम जी प्रधान फिर बाद में देना, मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री रविंद्र जी सांगवान डीएसपी कैथल हरियाणा पुलिस शोल के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और साथ में स्मृति चिन्ह और ले आओ जी स्मृति चिन्ह, सारी खेल समिति सुरेंद्र भाई बलराम जी कैच लगाई और आदरणीय बलकार जी मोनू भाई सभी हमारे युवा साथी गुरमीत है भाई, मैं नमन करता हूं सर आप बिल्कुल अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में पहुंचे और स्मृति चिन्ह देकर आपको सम्मानित करने का काम किया। आएगा गौरव रेसालू जलापानी पर, बहुत ही होनहार बच्चा गौरव रेसालू, बिल्कुल ताल ठोक के चलता है और चैलेंज करता है। सोनू राजपुरा बहन कई बाइक विजेता खिलाड़ी, पोला डोरा कई बाइक विजेता खिलाड़ी, हर खिलाड़ी आज टॉप और अच्छा बन के आया है। ये सोनू राजपुरा बहन वाला सोनू 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 और गौरव रेसालू केंद्र फाइट है, देखते हैं सोनू ने चारों खाने जीत किया। खेल समिति के प्रधान हैं, धन्यवाद करेंगे 2 मिनट के लिए, मैं अनुरोध करूंगा बलराम जी प्रधान शिव शंकर स्पोर्ट्स क्लब भाई। हाँ, कपिल छत्रिया भाई गांव की तरफ से हिंदुस्तान की शान भाई रुंदरी सिंह जी सांगवान का पाई में आने पर अपना कीमती समय लेकर खेलों में आए, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यह हिंदुस्तान की शान रहे 2010 में भाई रविंद्र सांगवान ने हिंदुस्तान यह है ननु देवबन इसमें राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीता था और सभी दर्शकों का भी हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप इतनी संख्या में आकर के आए हैं और बड़ी शांति पूर्वक मैच देख रहे हैं, इसलिए आपको कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि नमन, धन्यवाद जी। चलिए दलाल साहब कमेंट बिल्कुल चले दारा बिट्टू का छोटा भाई और यहाँ पोला ने दूसरी कैच लगाई, दारा को लगातार 2 कैच पोला दौड़ा के द्वारा, फिर आएगा बिक्का छात्रिया विक्रम सिंह मोर और बिक्का छात्र बहुत ही टॉप क्लास का खिलाड़ी, आपने अपनी आंखों से देखा हरियाणा प्रदेश का वो एक भी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं है जो अपने आप में शरीर में फिट है। जतीन एंड बिक्का जतीन फरवाना, फरवाना ने बहुत लंबी कबड्डी खेली आज भी खेल रहा है, दो दो टीम बड़ी अच्छी हैं लेकिन छात्र की भी 2 टीम इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। अब आएगा गौरव रेसाड़ू, पिछली रेड पर कैच लगाई थी सोनू राजपुरा बहन ने, लोहान गोत्र का ये बच्चा और साथी खिलाड़ी, फिर आएगा गौरव रेसाड़ू। आज छात्र की टीम ने दोनों कैचरों पर दाव खेला है, सोनू राजपुरा पोला डोरा हरे कच्छे में और उसके बाद सामने वाली टीम जोर का झटका धीरे से लगा, पॉइंट मिलेगा रेडर को दोस्तों, उधर एक कैचर और एक रेडर के रूप में लिएगा कैचर जतीन फरवाना, रेडर गौरव रेसालू, आगा कपिल छात्रिया। मैं 1983 में जिन्होंने वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीता कपिल देव, आज हमारी एकमात्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है राय सोनीपत में, उसके भी सिंह वाइस चांसलर है, उसका नाम कपिल देव है, ये कबड्डी का शानदार कपिल है और यहाँ पे डोज लगा बिट्टू से पॉइंटर जीत कर लिया। ऐसा अगला हजी बोल क्या कुछ आप सात वसीद पाई ए, नेक्स्ट मैच पहला क्वार्टर टूर्नामेंट का, ये प्री क्वार्टर का अंतिम मैच चला हुआ है, प्री
क्वार्टर का पहला मैच होगा सात वर्सेस पाइए, नोट करके रखे भाई। और पोला के द्वारा शानदार ट्राई दारा को, दारा नया खिलाड़ी है, पोला मंजावा खिलाड़ी है, मंजे खिलाड़ी अपने अक्सर आगे आगे काम करते तब आगे आगे टूर्नामेंट बढ़ती है, पहले धीरे चलते हैं और फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। आ गया बिक्का छात्र, बिक्का छात्र बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी, प्रसिद्ध नाम जिन्होंने, चाहे मोहित नंदगढ़ की बात है चाहे बिक्का छात्र की बात है, यूरोप में जाके कबड्डी के बल पर अपना नाम रोशन किया है। और आज आपके अपने गांव पाई में बाबा बिशनपुरा की पावन धरा पर बिक्का छात्र और कपिल छात्र की कैच साढ़े नौ चार पाई गुरुग्राम गुड़गांव 100-100 रुपए की कैच पॉइंट होगा भाई। छात्र साढ़े नौ देवन चार, ये स्कोर है 13.5-14 का मैच है। यह है पवन कुमार पोन्ना, पवन पोन्ना, लेकिन नहीं बात तैयारी की होती है, खिलाड़ी कोई बुरा नहीं होता, उसका समय बुरा हो सकता है, आप मेहनत करेंगे वही आगे जाएगा। जो 10 साल पहले टॉप थे आज टॉप नहीं है, जो आज टॉप होगा कल टॉप नहीं होगा, लेकिन टॉप वही होगा जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस गुरुओं की गुरु है दोस्तों, ये माना जाता है खेल जगत में। कपिल छात्रिया, बिट्टू, जतिन एंड नन्नू डबल टच पॉइंट टू रेड, ये है ईमानदारी। और नए नए खिलाड़ियों को भेजना शुरू कर दिया देवबन। रविंदर जी फौजी भाई साहब को एक बार फिर सलाम करते हैं, देवबन की टीम को 8,000 रुपए धन्यवाद देना चाहूंगा। राजेश जी कैरो का एकमात्र हरियाणा के ऑफिशियल, अंतर्राष्ट्रीय ऑफिशियल, चाहे खिलाड़ी तैयार करने की बात है, चाहे हरियाणा के इंचार्ज बनने की बात है, या बड़े बड़े टूर्नामेंटों की जिम्मेवारी की बात है, और कैरो साहब हमेशा अग्रणी पद पर रहते हैं, उनको भी धन्यवाद मिलना चाहिए। और हमारे हरियाणा प्रदेश के बेस्ट ऑफिसर दिलबाग सिंह जी पाई की तारीफ आज मैं कम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनका खुद का टूर्नामेंट है। असली बड़ाई उसकी होती है जो दूर जाके अपनी बड़ाई करवाए, अपने डिसीजनों के बल पर आकर्षित करे दर्शक भाइयों को, दर्शकों के मुंह से यह कहलवाना कि ये खिलाड़ी अच्छा है, ये ऑफिशियल अच्छा है, ये कमेंटेटर अच्छा है, वही अच्छा माना जाता है। अपने आप में सभी अच्छे होते हैं दोस्तों। चला गौरव रिसाड़ू जिला पानीपत का खिलाड़ी, पानीपत की तीर लड़ाई हुई लेकिन आज कोई तीर तोड़ की लड़ाई नहीं, आज लड़ाई है 71,000 की, 51,000 की कबड्डी की, एक पॉइंट क्या हो सकता है सुनानी जी, सुनानी अब चला बिल्कुल इधर से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि परछाई भी हो जाती है, रात का काम है। देवबन के पाले में छात्र का खिलाड़ी, हाँ बिल्कुल झटकम झटका, लेकिन नन्नू की गरीब जो है वो शानदार है, कपिल को कैच है, यस आप कैची लगाओ के गरीब नहीं बनेगी तो फिर कैची निकल जाती है, पैर निकल जाता, अगर आपकी गरीब सही है तो फिर पैर कैची से नहीं निकल पाएगा और तभी कैच होगी। मनोज अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी से फाइट चल रही है, पॉइंट गोज टू देवबन, अभी भी मैच लगा हुआ। आ गया विक्रम सिंह मौर, बहुत बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़ी टीम का नाम छात्र, जिन्होंने कई साल अच्छा से अच्छा प्रदर्शन किया, 100 टूर्नामेंट खेली तो 90 टूर्नामेंट छात्र ने जीती, लेकिन समय अपना अपना होता दोस्तों। और फिलहाल फाइट है बिट्टू से, अब आ गया गौरव रिसाड़ू, देवबन 9 छात्र 12.5, यहां कैच लगी तो मैच समाप्त हो जाएगा, ठीक है जी। और अब गौरव को स्कोर करना जरूरी है अगर मैच में बने रहना है तो, थाई थाई, लेकिन 29-30 सितंबर को यह काम हो नहीं सकता। फिर चलेगा कपिल छात्रिया, यहां रेड पॉइंट आया तो फिर मैच समाप्त हो जाएगा, इसलिए देवबन जिला कैथल की टीम के सामने एक ही ऑप्शन है, कैच लगाए, मैच को आगे बढ़ाएं, नहीं तो मैच समाप्त हो जाएगा। जतिन के कंधों पर बहुत भारी जिम्मेवारी, बिटू ने यश किया, कपिल धीरे धीरे कदमों से जीतू पॉइंट लेकर अपने पाले में लौट चुका है। कांटे के मुकाबले में छात्र की टीम ने देवबन को हराया, अगला मैच होगा 7 वर्सेस पाइए।